हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में, जो कि सेल के रिगार्डिंग है। और सेल के बारे में आप सब जानते होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी कि वैकेंसी कितने पोस्ट पर हैं, कहाँ की ये वैकेंसी हैं, कब तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है, और किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, पूरी जानकारी लेंगे। तो पूरा देखना है इस वीडियो को। और इस वैकेंसी के रिगार्डेड यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो लास्ट तक विजिट करेंगे। और ऐसे ही ऑल इंडिया की सभी वैकेंसीज़ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप इन सभी अपडेट्स को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर जानने वाले अपन आज की ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं अपन न्यू वैकेंसी अपडेट के बारे में। और न्यू वैकेंसी जो आई हैं वो है आईए सेल के रिगार्डिंग, यानी सेल आप सब देख पा रहे होंगे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी हैं। देखिए आगे देखिए, सेल हैज इश्यूड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट 2021। ठीक है, उसके अलावा देखें, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी हैं, मेडिकल से रिगार्डेड हैं। तो मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, दो वैकेंसीज इसके अंदर है, दो पोस्ट मोस्टली इसके अंदर है। आगे नंबर बात करेंगे, कितने नंबर में इसकी पोस्ट निकली है, बाकी दो पोस्ट इसके अंदर हैं, एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, दूसरा मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। ध्यान रहे और जो भी एलिजिबल है ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। आगे देखेंगे तो अदर डिटेल्स लाइक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, एज लिमिट, मोड ऑफ सेलेक्शन, फीस, आगे जो भी प्रोसेस हैं अपन बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें और देख लीजिएगा, सेल रिक्रूटमेंट 2021 की ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 46 हैं, ठीक है, 46 पोस्ट इसके अंदर है। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 7 मई, ठीक है, 7 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली हैं। आगे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वही सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रॉ मटेरियल डिवीजन से ये वैकेंसी है। टाइप बात करें अपन एम्प्लॉयमेंट की, टाइप की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर मिलने वाली है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपने देख लिया है, 46 वैकेंसीज इसके अंदर रहने वाली हैं। लोकेशन देखें तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल इंडिया के सभी जगह आपको इसके अंदर पोस्टिंग मिलेगी, यानी ऑल इंडिया ये लोकेशन इसके अंदर है। उसके अलावा पोस्ट नेम अपन ने देख लिया है, पोस्ट नेम है मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट। ऑफिशियली वेबसाइट है आपके सामने है www.sail.co.in, ये ऑफिशियली वेबसाइट है। जैसे ही आप कोई ब्राउज़र ओपन करके इसको डालेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपके सामने और उसको पढ़ सकते हैं। और आगे देखिए, अप्लाइंग मोड क्या होगा, आपको फॉर्म किस मोड से भरना होगा, तो अप्लाइंग मोड होगा आपका ऑफलाइन, यानी आपको ऑफलाइनली अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। आगे देखें तो इसकी स्टार्टिंग डेट कब से थी, इसकी स्टार्टिंग डेट है 25/3/2021 से स्टार्ट हो चुकी थी ये फॉर्म, और अभी रहने वाली है 7/5/2021, यानी 7 मई तक इसके फॉर्म भरने वाले हैं। आगे बात करें डिटेल ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी की डिटेल अपन बात करें तो इसके अंदर 26 पोस्ट तो रहने वाली है मेडिकल ऑफिसर की, और 20 पोस्ट रहने वाले हैं स्पेशलिस्ट की, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट की 20 पोस्ट रहने वाली हैं और मेडिकल ऑफिसर की 26 पोस्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। टोटल 46 पोस्ट इसके अंदर हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पीजी यदि आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, लाइक आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपके साथ में एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, यानी पीजी आपको होना चाहिए, साथ में एमबीबीएस हो सकती है या फिर बीडीएस हो सकती है, ये आपने किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, यानी सेल रिक्रूटमेंट 2020 के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। आगे देखें रिक्वायर्ड एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें कोई फिक्स नहीं है, रेफर टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी तक ऐसा इसमें डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जहां तक डेट है इसकी 18 से अबव और 60-65 तक ये रहने वाली है, ठीक है। आगे देखिए सैलरी पैकेज, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। देखिए 24,900 टू
58,000 यानी 24,900 रुपये से लेकर 58,000 तक इसका सैलरी पैकेज रहने वाला है पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा आगे अपन देखें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आप देख पाएंगे रिटर्न टेस्ट होगा इसके अंदर, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन आजकल सब जगह रहता है, तो थोड़ा सा कंपटीशन है बट काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें और अपनी सीट ज़रूर सिक्योर करें। तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके अलावा आगे अपन देखें तो फीस क्या रहेगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो फीस क्या रहेगी, तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए ये फीस रहने वाली है 500 रुपये, SC और ST कैंडिडेट के लिए ये निल हैं यानी कोई फीस नहीं लगेगी। आगे देखें किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए ऑफलाइन आपको काम करना होगा, ऑफलाइन ही ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, उसके अंदर ऑफिशियली साइट जो दी हुई है वो डालनी है www.sale.co.in, ये डालेंगे तो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर आपको इसका फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा, यानी जो फॉर्म आपको फिल करना है ऑफलाइन में उसका परफॉर्मा मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसको भरना है। भरने के बाद उसके साथ में जो फोटो कॉपीज आप लगाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके फोटो कॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे और उसको इस फॉलोइंग जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर भेजना होगा। एड्रेस आपके सामने है, इस एड्रेस पर आपको वो भेजना होगा जो फॉर्म आप भरेंगे और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस एड्रेस पर भेजेंगे। एड्रेस आपके सामने है DGM, ठीक है, रॉ मटेरियल डिवीजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 6th फ्लोर इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग 10 केम स्ट्रीट कोलकाता, ठीक है, 700017 वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये भेजनी है। उसके अलावा आगे देखें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं और फोकसिंग ऑफ डेट है जो कि 7 मई लास्ट डेट है, तो जो भी कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एलिजिबल है वो ज़रूर अपना फॉर्म सबमिट करें और ज़रूर अपनी सीट सिक्योर करें। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी और ऐसी ही वैकेंसीज़ के बारे में ऑल इंडिया की कोई भी वैकेंसी हो, भले वो एक पोस्ट की हो, 10 पोस्ट की हो या फिर 1000 पोस्ट की हो, हर वैकेंसी की न्यूज़ मिलेगी आपको जीवन एजुकेशन पर। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वैकेंसीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी PDFs वगैरह होगी, जो भी न्यूज़ आएगी सबसे पहले वहाँ पर आपको मिलेगी। तो उम्मीद है सारी जानकारी समझ आ गई होगी और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।